कर्सर को कलरफुल बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर आ जाएं और इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद इसका इस तरह का इंटरफेस होगा, या हम क्रिएट न्यू और नीचे क्रिएट पे क्लिक करके नया कर्सर बनाने के लिए एक नई विंडो ओपन करेंगे। तो इस विंडो में हम कर्सर के निशान को क्लिक करेंगे और उसके बाद एक विंडो होगी। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कलर्स को। अगर कर्सर वाइट रखते हैं आप तो ये वाइट शो होगा, अगर आप कोई और करना चाहें कलर कर्सर का तो वो भी हो सकता है। आप इसको वाइट ही रहने दीजिए और यहाँ से हम कर्सर का साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके आगे पीछे आप अपने हिसाब से देख लीजिए और इस विंडो को ओके कर दीजिएगा। तो नई विंडो अपीयर हो चुकी है, उसमें हमारा कर्सर तैयार हो चुका हुआ है। अब हमने इसको कलर करना है तो हम मूव टूल पे जाएंगे और इसको ड्रैग करते हुए इस विंडो के बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। जी, तो ये हमारा ड्रैग होके सेंटर में आ चुका हुआ है। अब हमने इसको कलर करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इक्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक कलर विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सर्कल है ये ऑन होना चाहिए, चेक होना चाहिए, और यहाँ पे ये वाला बटन जो पेंट का है ये वाला क्लिक होना चाहिए। तो उसके बाद आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू या जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। चलिए हम पिंक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने अपने माउस के कर्सर को इस कोने से डायरेक्ट करते हुए, खींचते हुए बिल्कुल नीचे वाले कोने के साथ जाके छोड़ देना। तो लीजिए हमारा कर्सर वो रेडी है। आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ पे अपने माउस को लाके, तो कितना खूबसूरत ये लग रहा है, शॉकिंग पिंक कलर। जी, तो दोस्तों आप इसको हम सेव कर लेते हैं। तो फाइल में सेव को क्लिक करेंगे, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसको हम कोई नाम दे देते हैं। चले मैं इसको कलर कर्सर का नाम दे देता हूँ और इसको सेव करके सिस्टम पे ले आता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि अब हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब हम यहाँ पे चेंज हाउ द माउस पॉइंटर लुक्स को क्लिक करेंगे। एक विंडो अपीयर होगी, उसमें हम पॉइंटर को सेलेक्ट करेंगे और ब्राउज के बटन को क्लिक करके हमने जहां पे सेव किया हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो वो डायरेक्शन दे के हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे, अप्लाई और ओके कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा खूबसूरत कर्सर तैयार है।